नमस्कार, मैं हूं मानसी। आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आगे जानते हैं क्या है आज विदेशों से खबरें। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर चार शव बरामद हुए हैं। ये चारों शव भारतीय बताए जा रहे हैं। दरअसल ये चारों शव एक ही परिवार के हैं और ये गांधीनगर गुजरात के रहने वाले हैं। दरअसल ये परिवार अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 35 डिग्री के कड़ाके की ठंड में ये परिवार की मौत हो गई। इनमें जगदीश पटेल, इनकी पत्नी वैशाली पटेल और दो बच्चे थे। बेटा 3 साल का था और बेटी 11 साल की। आपको बता दें, ये परिवार 15 दिन पहले ही कनाडा के लिए रवाना हो चुका था। बॉबी देओल के बर्थडे में पाकिस्तानी फैन का ट्वीट हुआ वायरल। जी हाँ, दरअसल ये महिला पाकिस्तान की है। इन्होंने एक केक को पोस्ट किया था जो कि अब वायरल हो रहा है। इस केक में बॉबी देओल की तस्वीर भी बनी थी। उन्होंने इस पे लिखा, मैं आशा करती हूँ कि इस साल बॉबी देओल को पता चल जाएगा कि एक पाकिस्तानी अनजान महिला अपने कैलेंडर को हर साल 27 जनवरी को मार्क करती है। इस पर बॉबी देओल ने भी रिप्लाई किया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, गॉड ब्लेस यू। यूरोप के लिथुआनिया में घर की बिक्री हो रही है। ये घर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के लिए यूज किया जाता है, आपको बता दें। साथ ही साथ इस घर का उपयोग CIA ने आतंकवादियों से पूछताछ के लिए किया था। गूगल ने विश्व स्तर पर महिलाएं कर्मचारियों को, साथ ही साथ अन्य कर्मचारियों को पार्टनर लीव को लेकर एक बड़ी राहत दी है। दरअसल गूगल ने महिला कर्मचारियों के लिए पार्टनर लीव 18 से 24 सप्ताह बढ़ा दिया है। साथ ही साथ कर्मचारियों के भुगतान अवकाश को भी 15 से न्यूनतम 20 दिन बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं अब क्या है दुनिया भर की COVID-19 की अपडेट्स। दुनिया भर में US पहले नंबर पर 8 करोड़ के पार पहुंचा केसेस का आंकड़ा और 8 लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है। वहीं भारत दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।